ये 1971 जो थी वो सबसे पहले फिल्म मिली थी जो बड़ी फिल्म है, उससे पहले भी मैं एक दो फिल्मों में कर चुका था। समय फिल्म में मैंने एक आध रोल किया था, कुंदन जी के साथ एक दो एड्स किए थे, बट फिल्म जो प्रॉपर फिल्म थी और शूट होना था और उसमें अच्छा रोल जो था वो 1971 में मिला था। उसके बाद उस फिल्म को बनने का जो प्रोसेस था वो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद मुझे गुलाल मिली, गुलाल लेकिन एक दो चंक शूट हुए, उसके बाद झामू जी गुजर गए है ना, तो उसके बाद फिर ओमकारा मिली अचानक से, लेकिन गुलाल जो थी वो अधूरी रह गई। 1971 का एक लंबा वो चला, काम की जो पोस्ट वोस्ट था वो बहुत लंबा खींचा उसमें, तो फिर ओमकारा मिली। तो ओमकारा के बाद वो जल्दी बनी और जल्दी रिलीज़ हो गई, तो वहाँ से पूरी लाइफ चेंज हो गई। जो 1971 और गुलाल की थी उसमें ज़्यादातर लोग थिएटर के ही थे, तो थिएटर वालों को जानते हैं और पता होता है कि कोई किसी से कम नहीं है और जो भी हर एक अपने आप को तुखम समझता है और जो भी, बट जब आप स्टार्स के साथ करते हैं, सारे स्टार्स हैं आपके सामने, तो और स्टार्स के साथ कभी किया नहीं है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा उनके बारे में कि यार टेंट्रम दिखाते हैं, ये करते हैं, लेकिन और इसलिए आप शुरुआत में डरे होते हैं थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही मेरा उनके साथ काम करने का मौका मिला तो सारे दोस्त हैं आज तक, सबके चेहरे पे स्माइल है जब भी मेरी बात होती है, जब भी मुझसे मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छी दोस्ती बन गई है सबके साथ। तो ये है, ख़ास तौर से सैफ के साथ, सैफ तो बहुत ही ख़ास हो गए थे वो, तो ये तो हालांकि पहले थोड़ा सा डर लग रहा था, बट उसके बाद जब ट्यूनिंग शुरू हो गई हम दोनों की, तो फिर कोई डरने की बात ही नहीं थी, और बहुत ही कुल मिला के पॉजिटिव रिएक्शंस था, असर था पूरी फिल्म का, और वो आज तक चल रहा है। और आज तक कहीं भी जाता हूँ तो जो नई फिल्में भी आती है कई बार, तो उनसे पहले भी लोग ओमकारा बोलते हैं, तो ये थोड़ा सा वो भी लगता है। जब ओमकारा रिलीज हुई, अदरवाइज तो उससे पहले तक तो ये होता था कि एक बार मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे लेने भी आए थे कि चलो भाई बहुत हो गया, ज़िंदगी ख़राब मत करो यहाँ पे, और ये सब है। उसके बाद जब एक बार मकबूल 2004 की बात है, जब मकबूल आ रही थी, तो मैं उन्हें मतलब छोटा सा भी रोल मिलता था, तो लेकिन हमारा काम होता है एक्ट्रेस का कि उसे वो बढ़ावे के साथ पेश करना कि मकबूल की है। जब उन्होंने मकबूल देखी तो वो अपने पूरे स्टाफ को लेके गए ऑफिस के हॉल, और सबने कहा कि तो उसमें रोल ही नहीं था कुछ, हल्का फुल्का इक्का दुक्का नज़र आ रहा था, तो सबने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे पापा को सांत्वना दे रहे थे कि फिल्म में दिखना भी बड़ी बात है यार, दिखा तो सही एक दो जगह जो भी। तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, उन्होंने फ़ोन किया, पड़ा है आप बोलता था मकबूल, हमने तो सोचा खुद ही मकबूल होगा, पता नहीं क्या कर रहा है। तो उसके बाद मेरे को भी बड़ा वो लगा, मैंने कहा हाँ यार ये तो कुछ नहीं, लेकिन जब ओमकारा मिली और मैंने उन्हें फिर 2 साल बाद फ़ोन किया कि ओमकारा देखेगा, तो उन्होंने कहा रुक जा पहले मैं खुद देख के आऊँगा, पिछली बार बड़ी बेइज्जती हुई थी। तो उसके बाद वो खुद ओमकारा देखने गए, और उसके बाद जब देखा कि यार पूरा हॉल में तालियां सीटियां बज रही है, तब उन्होंने पूरे स्टाफ को दोबारा लेकर गए, और इस बार पूरा रिएक्शन चेंज था। तो ये पहला रिस्पॉन्स, सच बताऊँ तो जब फिल्म देखी तो ख़ास तौर से एक प्रेमियर वगैरह जो था, तो उसमें ओमकारा की ही टीम थी ज़्यादातर, या इंडस्ट्री के लोग थे, तो उन लोगों ने देखा, उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की, और लेकिन जब असली रिएक्शन तब शुरू हुआ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होगा, प्रेमियर एक दिन पहले हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब शोज़ हॉल्स में लगने शुरू हुए, तो उसके बाद जब क्रिटिक्स ने लिखा, वहाँ से सारी चीज़ें बदल गई, वहाँ से हर आदमी ने देखी, पता यूपी से लेके दिल्ली से लेके हर जगह, तो वहाँ से जो फ़ोनों का सिलसिला शुरू हुआ है, मतलब तीन वेटिंग में रहते थे फ़ोन, एक के बाद एक, मतलब 4 दिन तो मैं सो ही नहीं पाया था, हर एक का फ़ोन अटेंड करना, हाँ, नहीं तो कोई हल्का सा सुन के, आप तो बड़े आदमी हो गए ये सब चलने सुनने को पड़ता, पर नहीं सबके फ़ोन उठाए जो भी है, तो वहाँ से वो टर्निंग पॉइंट है, मतलब ओमकारा की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, वरना शायद अभी तक पैकअप हो चुका होगा। मुंबई कटिंग जो है वो, उसमें 10 डायरेक्टर्स ने 10 फिल्में 10-10 मिनट की बनाई, हर डायरेक्टर की फिल्म जो है वो 10 डायरेक्टरों ने 10 मिनट की फिल्में बनाई, 10 फिल्म, और उसमें मैंने कुंदन जी के साथ किया, और जो हमारी फिल्म है उसका टाइटल है हीरो, मतलब एक कहानी है, एक स्ट्रगलर है, स्ट्रगलर एक्टर,
जिसका पहले दिन का एनकाउंटर है लोकल रेलवे के साथ, और ये पूरी फिल्म साइलेंट है, साइलेंट फिल्म है, और रियल लोकेशन गोरेगांव प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे रियल क्राउड के बीच में शूट हुई है वो फिल्म। तो वो देखते हैं वो कब आएगी, वहाँ 6-7 फेस्टिवल्स में जा चुकी है वो, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, पर देखते हैं कब रिलीज होगी। काफ़ी सारे नाम हैं उसमें, यहाँ पे मुंबई में ख़ास तौर से मेरे एक दोस्त हैं मनु ऋषि चड्डा, राजन कुआत्रा, विपुल बिग, और ये क्या रजत, नवीन त्यागी, राजेश, ये सब लोग बहुत पास थे मेरे हमेशा। ये मतलब कहीं भी, मतलब फ़ोन कॉल पे या कहीं भी यार पास ही रहते, दिन में 2-2 बार तो मिलना होता ही था, मतलब हर बार हाय करते थे, हर बार बाय कर, 20-20 बार ऐसे ही चलता था। तो ये कभी दूर नहीं हुआ, ये 5-6 लोग पता लड़ते थे, लेकिन जब पता चलता था ना कि कोई टूट रहा है तो सब साथ होते थे, वो लड़ाई वैसी होती थी, मतलब दिल पसीजता था यार कि अभी कल ही तो झगड़ा किया, अभी उसके साथ थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा, दिल सबका पसीजता था, सारे दोस्त थे। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई किसी से अलग हो गया, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, आज तक कोई दुश्मन नहीं होता। और दोस्तों में खास तौर से झगड़े तो चलेंगे अपने आप को, क्योंकि इतने इनसिक्योर रहते हैं स्ट्रगलर लोग जो स्टार्टिंग में होते हैं, स्ट्रगलिंग एक्टर, तो झगड़ा किसी का वैसा झगड़ा नहीं होता है कि हमने वर्क का ही फाड़ दिया है और ये सब वो सब नहीं, तो सभी साथ रहते थे और आज तक साथ हैं। ऑडियंस जो है वो जो अलग अलग वैरायटी है उसे एक्सेप्ट करने लग गई है अभी, और मतलब पेशेंस आ गया है ऑडियंस में और बनाने वालों में भी, अलग अलग तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें हैं, कुछ फिल्में ऐसी हैं जो शुरुआत में जब रिलीज़ होती है वहाँ तक पसंद नहीं आती, लेकिन उसके बाद जब वो DVD पे देखते हैं तो उन्हें बहुत पसंद आती है कि हम देख क्यों नहीं पाए इस फिल्म को, इस फिल्म की पब्लिसिटी ढंग से क्यों नहीं हुई, इसका ये क्यों नहीं हुआ हो। तो ये है, हालांकि आप जब संडे बनाने जाते हो तो आप एजुकेट होने नहीं जाते अभी तक, एक बात तो ये है, आप ये देखना चाहते हो कि कौन सी फिल्म है जो सबसे ज़्यादा TV पे अपने आप आई जा रही है, जिसके प्रोमोज चल रहे हैं, जिसके एड्स चल रहे हैं, कौन सी फिल्म है, चलो ये फिल्म थोड़ा लगता है, तो आप पूरी फैमिली को लेके चले जाते हो निकलने के लिए फ़न के लिए। तो जब फ़न के अलावा भी एक और चीज़ आएगी कि कुछ अलग है इस फिल्म में, कॉन्सेप्ट अलग है, कंटेंट अलग है, और जो जिस तरह से दर्शाया गया वो बहुत अलग है, तब वो वाली ऑडियंस अगर ज़्यादा बढ़े तो उस तरह की फिल्में भी चलेंगी। अगर आप सिर्फ पिकनिक या संडे को स्पेंड करने जा रहे हैं तब आप किसी भी फिल्म को देख सकते हैं। तो चल रहा है, हर तरह की फिल्में आज बन रही है, तो एक्सपेरिमेंटल भी हैं जो पुरानी है, जिस तरह से चलता है मसाला फिल्में वो भी हिट हो रही हैं, तो आप कोई ग्रामर वैसे नहीं लगा सकते। अब अगली परफॉर्मेंस कैसी हो, किस तरह से, मतलब इमेजिन करता रहता हूँ कि कौन डायरेक्टर होगा, इस तरह से अलग अलग फिल्म है। और मुझे जो है एज एन एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलती है विजुअलाइजेशन में वो मिलती है म्यूज़िक से। म्यूज़िक जो है वो मेरे घर पे 24 घंटे चलता है, मतलब कुछ ना कुछ, या लैपटॉप पे या कहीं और जब मैं अकेला बैठा हूँ, तो म्यूज़िक तो वो है जो कहीं से कहीं मुझे ट्रैवल कराता है सच में। और तो यही सब है, और अभी तक कोई ऐसा रोल नहीं मिला जिसके लिए रिसर्च करनी पड़े, जो हिस्ट्री जाननी पड़ी है, वो इसके पास्ट में जाना पड़े, सच बताऊँ तो इतनी मेहनत करने का भी मौका ही नहीं मिला। ज़्यादातर जो मेहनत होती है वो सेट पे ही करता हूँ मैं ऐसे, अगर कोई, या तो उसके लिए ये है कि 6 महीने पहले कोई स्क्रिप्ट दे दे या 5 महीने पहले स्क्रिप्ट दे दे, तब आप करें सॉलिड परफॉर्मेंस उस स्किन में आए, उस गेटअप में आए, और ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो ये जो भी होता है ये बड़े आसानी से हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं किसी भी रोल में। रोल मॉडल में सच बताऊं तो मार्लन ब्रांडो, और इंडिया में अगर आप बात करें तो दिलीप साहब, बच्चन साहब, बलराज साहनी, और कौन है, ये तीन हैं, इन तीनों को मैं मानता हूँ एज एन एक्टर जिनके बारे में बात की जाए, और नसीर साहब, ये और तीन दिग्गज, ये सॉरी नसीर साहब, पंकज जी, ओम जी, इनको बोल रहा हूँ सॉरी, हाँ तो ये है मतलब। लेकिन मेन तो अगर अंदर से अगर कुछ आवाज निकलते तो सिर्फ ब्रांडो एंड मेरिल स्ट्रीप, ये लोग हैं, ये मेरे हमेशा फेवरेट हैं, मेरिल स्ट्रीप। और इंडियन में शबाना आजमी, स्मिता पाटिल, और नयोमी कोनकना, ये लोग हैं।